खींच के तुम पूरा मंगल ग्रह पे जाकर सेट कर दो, तब मैं यहाँ पे बैठ के बता दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। बेकार में लोग स्पेस में जाके क्या करेंगे। हाँ हाँ तोड़ दो तुम मेरी गर्दन, पूरा अपाहिज बना दो मुझे, उसके बाद व्हील चेयर में भेजना तुम मुझे शादी करने के लिए। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आफरीन। एंड गाइस, जाने से पहले कैसे मैं अपने फेस को प्रिपेयर करती हूँ इन सब भयंकर मेकअप झेलने के लिए, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये गुड वाइव्स का पपाया फेस वॉश। ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, ये हमारे फेस को ना ग्लो करता है एंड डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। तो अभी मैं यूज कर रही हूँ ये गुड वाइव्स का टी ट्री फेस मास्क एंड ये क्लींजिंग फेस मास्क है। ये स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग करता है एंड पोर्स के अंदर से डर्ट वगैरह इन सबको रिमूव करता है। तो लास्ट में मैं यूज कर रही हूँ ये डर्मडॉक का ऑयल कंट्रोल फेस सीरम। ये सीरम ना पोर्स को क्लोज कर देता है, ये ऑयल को कंट्रोल करता है एंड ये अप्लाई करने के बाद फेस एकदम मॉइस्चराइज हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। एंड गाइज, अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ वहाँ पे जाने के लिए। ये सब कुछ ना मैंने परचेस किया है पर्पल से। अभी पर्पल में चल रहा है स्किन टेस्टिंग सेल अप टू 50% ऑफ, और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% भी डिस्काउंट मिलेंगे। ये सेल चल रहा है 6 जून तक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल चल रहा है। गुड वाइब्स, एब्स गुडनेस, वयम, आयुर्वेदा, डर्म डॉक के ऊपर भी चल रहा है एंड शीट मार्क्स एंड सीरम फ्रॉम पर्पल एंड NYB, ये सारे ब्रांड्स के ऊपर सेल चल रहा है। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक मिल जाएंगे आपको। तो चलो जल्दी जल्दी चलते, मुझे शादी भी तो करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अच्छे से बैठ के सेट हो गई हूँ एंड इनका हेयर स्टाइल वगैरह हो गया है और अभी स्टार्ट होने वाला है मेकअप। मतलब आपके पास प्राइमर और मॉइस्चराइजर क्रीम नहीं लगाएंगे आप? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर भी मतलब लगाना अच्छा होता है, ऐसे जो इसलिए ऐसे फाउंडेशन भी लगाना सही नहीं होता है, तो आप जब भी किसी को मेकअप करके दोगे ना, हमेशा उसको यूज करना, ठीक है? तो सुन लिया ना आप लोगों ने, बेकार में हम लोग प्राइमर टोनर मॉइस्चराइजर ये वो कितना कुछ अप्लाई करते, तो वो सब अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको फाउंडेशन लगाना है, ठीक है? हाथों से मतलब लगा रहे हो, आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश ये सब नहीं है? पता नहीं लोगों के हाथ में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति होती है जो हमारे झाड़ू पे हमारे मेकअप ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर इन सब में नहीं होते हैं। अब हाथों से इतना अच्छा ब्लेंड होता है, बेकार में हम लोग ये सब खरीद के पैसे बर्बाद करते हैं। तो मेरे पास जितने भी ये सब चीजें हैं ना, वो मैं अभी के अभी कचरे के डब्बे में फेंक रही हूँ, तो आप लोग भी फेंक दो, ठीक है? तो जो भी हो, ये तो बर्तन घिसे ही जा रही है, मतलब घिसते घिसते ये भूल गई है कि ये मेरा फेस है, ये बर्तन नहीं है। तो देख सकते हो आप लोग क्या हालत हो रही है मेरी। अब ब्लेंडिंग का तो पता नहीं, बट ये जो कर रही है ना, इससे मेरी चमड़ी निकलने वाली है आज। देखो पीछे कौन ऐसे फाउंडेशन लगाता है, मेरी मम्मी ऐसे लगाती थी तेल मेरे ऊपर बचपन में। अच्छा, तुम्हारे ब्रूटा में वी शेप कर दी है, कलर तुम तो भारत लगे। देखिए मेरा तो ये नेचुरल आईब्रोज है ना, तो जैसा मेरे आईब्रोज है आप वैसे ही कीजिए, मतलब वी शेप कर ले, खूब सुंदर लगे तुम्हारे। तो बेवजह मैंने और बात नहीं बढ़ाया, बस अच्छी बच्ची की तरह मुंडी हिला के हाँ कह दिया कि इनको जो करना है आज इनको करने देते हैं, बस तुम मेरा खून मत कर देना, बाकी तुम जितना चाहो जो चाहे मेकअप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज मैं आप ही की प्रॉपर्टी हूँ। वैसे आईब्रोज ना ड्रॉ करते करते ये लेडी मेरी पूरी कुंडली निकलवा रही थी, मतलब कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, किससे शादी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे मामा मामी चाचा चाची नाना नानी सास ससुर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से है, ये वो उनके बारे में बात कर रही थी। वहाँ घूमी वो औरत, यहाँ गई वहाँ गई, दुनिया का खबर पता नहीं यार क्या क्या। एक टाइम पे तो मैं पागल ही हो रही थी कि ये औरत जो है ना वो काम में पूरा जीरो है और मतलब ताक झाक में बिल्कुल A1। अब आईब्रोज देखो मेरे, वैसे ये लेडी पहाड़ वहाड़ में घूमने गई थी, वो सब के बारे में बात कर रही थी, और करते करते मेरी फेस पे दो पहाड़ उगा दिया इन्होंने बड़ा साइज का। आईब्रो कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं हो गया? यार सच में कौन उगाता है ऐसे आईब्रोस, कहाँ से आते हैं ये आइडियाज, क्यों आते हैं, पता नहीं क्या है। मैं मेकअप तो कर दिया। आपके पास ब्रश नहीं है? ब्रशर থেকে হাত দিয়েই ভালো হবে, আমার এটা করতে সুবিধা হবে। अब मैं भी क्या गधी की तरह क्वेश्चन किए जा रही हूँ। अब इनके हाथों में जादू है, इनको ब्रश की क्या जरूरत है, जाहिर सी बात है। अब वैसे आई मेकअप करना किसको है, इनको तो खाली 2-4 रंग ना एक साथ आंखों में लगा देना है, बस काम हो जाएगा। अगर दुल्हन की किस्मत अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा हो जाएगा, और मेरी तरह अगर किस्मत बुरी किसी की होगी तो आप लोगों को तो पता ही है, लास्ट में मैं पूरा जोकर बन जाऊंगी एकदम। नाखून चुभ गया आपका?
নখ তো নেই আমার হাতে বেশি দেখি এটা একটু কর্নারটা লাগাতে গেলাম তো ভালো করে আচ্ছা সরি সরি अब सॉरी कहने की क्या जरूरत है आपको ये आंख पसंद है मुझे कहते मैं खुशी खुशी आपको डोनेट कर देती बेवजह ऐसे नाखून से अटैक करने की क्या जरूरत थी पता नहीं अब ये ब्लू कलर कहाँ से टपक पड़ा यहाँ पे तो दूर दूर तक ब्लू के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मेरे ड्रेस पे तो ब्लू कलर नहीं है लाल संगे मिलता मैच करे भालो हुए जो सुंदर लगे घंटा सुंदर लगता है हमें देखते आश्चर्य पब्लिक लाइक उन लोगों को जो अच्छा लगता है वो हमें यही कहते हैं कि ये तुम पे बहुत जचेगा ये तुम पे बहुत सूट करेगा ये वो या उन लोगों को मेकअप करना नहीं आता है तो ठीक है भाई बट ऐसे झूठी तारीफ क्यों करते हैं ये लोग अब ये आई मेकअप ना पूरा कैप्टन अमेरिका का लोगो लग रहा है वो भी टूटा वाला अभी वो अप्लाई कर रही है आईलाइनर और आईलाइनर देखो आप कैसे अप्लाई किया इन्होंने इसे देख के तो कोकिला बैन भी मेकअप करना बंद कर देंगे अलग हो गए हैं मतलब ये वाला अलग ये वाला अलग वाह भाई वाह क्या फिक्स किया आईलाइनर को इन्होंने देख लो पहले फिर भी मैं थोड़ा बहुत इंसान दिख रही थी बट अब तो मैं पूरा डायन दिख रही हूँ डायन अब ऐसा वैसा डायन नहीं वो शमशान घाट में जो भटकते रहते हैं ना वो वाला डायन पूरा फैल गया है अब हाँ हाँ ये आँख को ना खींच के तुम पूरा मंगल ग्रह पे जाके सेट कर दो तब मैं यहाँ पे बैठ के बता दूंगी कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है बेकार में लोग स्पेस में जाके क्या करेंगे ये হচ্ছে আপনাদের সবাই দেখবে আশা করবে ক্যামেরা কে মিলে একর মেকআপ করে দিয়েছে আমার নামটা একটু বলবেন সবাই জি 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 अब दूसरे दुल्हन आपका नाम सजेस्ट करती है या नहीं करती ये तो भाई मुझे नहीं पता और उससे आपको फायदा होता कि नहीं होता है वो भी नहीं पता बट मैंने अगर आपका लोकेशन और नाम बता दिया ना आपका ये जो लोगों का लूटने का बिजनेस है ना उसका तो हो जाएंगे राम राम सत्य हमारे ग्राम में सब থেকে ভালো মেকআপ আমি করি আমার কাছে সবাই আসে সাজতে এখানে কেউ ভালো মেকআপ করতে পারে না আমার মতে वाह भाई वाह खुद की तारीफ करना तो कोई इनसे सीखे हाँ हाँ तुम मेरे सर को ना धड़ से पूरा अलग कर दो मैं इतना ज्यादा डर गई थी ना अचानक से ऐसा हो गया मुझे बहुत जोर की हंसी आ रही थी और मैं अंदर अंदर सोच रही थी कि शायद ये औरत कोई वैम्पायर होगी और मेरे गर्दन से खून चूसने की कोशिश कर रही थी तो इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि कोई छेद वेद नहीं है ना गर्दन पे तो अभी इन्होंने मेरा आईलैशेस जो है वो लगा दिया है और आईलैशेस लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन होकर आई हूँ अब जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा आग देखो मेरे मतलब कैसी दिख रही हूँ यार मैं अब मस्कारा लगाने की क्या जरूरत है ऐसे भयंकर आई मेकअप के ऊपर इससे तो अच्छा तो मुझे अंधी बना दो अब देखना ये है कि कॉल का ये औरत कैसे ड्रॉ करती है वैसे जिनका मेकअप का ये हाल हो कॉल का खाक अच्छा करेंगे ये बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं हो सकता है कि कॉल का ये अच्छे से ड्रॉ करे अपन वीडियो टा बंद रखते हो पड़ो ऐसे में क्या की रिपोर्ट करे बोले समय लगे तो करते होने ये कैसा कॉल का है भाई मुझे तो लगा कि ये आईब्रोज होंगे गलती से इधर उधर हो गया ठीक है फिर और कुछ करना है यहाँ पे बुरे से बुरे मेकअप आर्टिस्ट से मेरा पाला पड़ा है बट ऐसा कोलका मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा मतलब आईब्रोज के जगह पे तो इन्होंने दो पहाड़ उगा दिया और कोलका के जगह पे दो आईब्रोज लगा दिया मतलब ये कैसा प्राणी बन गई हूँ मैं अभी और अगर मैं ऐसे शादी करने के लिए गई ना तो वहाँ के लोग तो देख के डर जाएंगे एकदम और कहेंगे कि ये कौन सी प्राणी आ गई है इस दुनिया में जिनके फोरहेड में दो बड़े बड़े आईब्रोज लगे हुए हैं और आईब्रोज में दो बड़े बड़े हिमालय का पर्वत है तो सभी इधर उधर भागने लगेंगे अपने जान बचाने के लिए और दुल्हा उसका तो आप पूछो ही मत बेचारे को तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा वही बैठे बैठे उसको हार्ट अटैक आ जाएगा हाँ हाँ तोड़ दो तुम मेरी गर्दन पूरा अपाहिज बना दो मुझे उसके बाद व्हीलचेयर में भेजना तुम मुझे शादी करने के लिए क्या यार हद है यार ये औरत सच में पागल है अच्छी है सब कुछ है बट कभी कभार इनके अंदर भूत सवार हो रही है तब ये ऐसे ऐसे करके कराटे कर रही है ठीक है फिर हो गया ना आपका मेकअप अच्छा तो फिर मतलब कितना देना पड़ेगा बताइए দেখো আমি তো সবার কাছ থেকে হাজার টাকা করে নিই তুমি যেহেতু কালকেও আসবে আমার একটা করতে একটু কম দিও 700 টাকা দিও আচ্ছা ঠিক আছে ठीक है थैंक यू सो गाइज मैं घर वापस आ गई हूँ आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसी दिख रही हूँ मुझे सच में कुछ भी नहीं कहना है इस लेडी के बारे में तो मैं ना थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ इसका क्लोज एक लुक आपके फेवरेट म्यूजिक के साथ पसंद आया
आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, चुड़ैल वाली किसी, चुड़ैल वाली किसी, चुड़ैल वाली किसी, बाय।